أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبت يدا أبي لهب وطب. ما اغنى عنه ماله وما كصب سيصلى نارا ذا طلاب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مصد अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है सुर इस सूरह का शायन नजूल कुछ इस तरह है कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूत से सरफराजा गया जब उनको नबूत अता की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को सफ़ा पहाड़ी पर जमा फरमाया और उनसे कहा कि क्या तुम मुझे सादक मानते हो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं आपको हम आपको सादक मानते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या तुम मुझे अमीन मानते हो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम आपको अमीन मानते हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम यकीन कर लोगे उन्होंने कहा हम आप हमने आपको सादक व आमीन माना आप आपसे सादक व आमी इस पूरी दुनिया में नहा होगा तो हम कैसे ये यकीन न करें कि इस पहाड़ी के पीछे से लश्कर नहीं आ रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा हक की दावत दी और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सवाल कोई महबूद नहीं तो अबू जा अबूल उस पर गाज़मनाक हो गया और उसने कहा कि आप भतीजे तूने ये काम करने के लिए मुझे यहाँ पर इसलिए यहां पर जम, इसलिए जमा किया कि हम तेरे झूठे खुदा की दावत को कबूल करें तो उस मौका पर उसने कहा तब बल्लाका या मोहम्मद ए मोहम्मद तू तबाह हलाक हो जा तू बर्बाद हो जा लाहु अकबर ऐसी बात कहना कि जिसने जिसकी वजह से ये कायनात तख्लीक में आई जिसकी वजह से आज हम इस धरती में इस जमीन पे इस कायनात में हैं तो उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब के अबू लहब दबा हो जाए तेरे दोनों हाथ ना कि मोहम्मद सल्ला वसलम के माँ अगना अन हु माल हुआ माँ और जो माल जो इसबाब तूने कमाया है जो कुछ भी तेरे पास है वह सब तबाह बर्बाद हो जाए सैसा तलाब और कयामत के दिन तू अन हन्नम की भड़कती हुई आग में होगा और तुझे जलते हुए कोयलों पर लिटाया जाएगा वमरात हो हम अल्लाह और तेरी बीवी जो कि लकड़ियाँ इकट्ठे कर लकड़ियाँ इकट्ठी करने वाली है इस सूरत में अल्लाह तला ने उसको ये खिताब इसलिए दिया हालांकि वो बहुत अमीर थी अमीर और आलिशान घराने से ताल्लुक़ रखती थी लेकिन फिर भी वो घर का चूल्हा जलाने के लिए दूर दूर से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाया करती थी तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया वमरात हो हमां तै और तेरी बीवी क्योंकि उसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा और तकलीफ़ ने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी वो भी तेरे साथ तबाह बर्बाद हो जाए फी जी में मसद और कयामत के दिन उसके गले में रस्सी होगी अगर इस सूरत को देखा जाए तो इसमें यही बयान किया जा रहा है कि अगर हम अल्लाह ताल और उसके रसूल सल्ह वसलम परमल उसके बताए हुए तरीक़े परमल करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे मतलब ये कि हमने अगर कलमा तो पढ़ा है ला अः रसूलुल्लाह यानी कि अल्लाह तै के सिवा कोई मबूद नहीं और महम्मद सल्ला वसम इसके रसूल हैं तो हम दुनिया और आखत में कामयाब हो सकते हैं सदा अल्लाजीमल्ला ने सच फरमाया